गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग उस दिन की ट्रैवल के लिए जाने वाले हैं, तो अर्ली मॉर्निंग ट्रेन है, तो हम लोग अभी स्टेशन आ चुके हैं। बोरिया बिस्तर लेके जीजा जी को दोनों बैग पकड़ा दिया है, हम लोगों ने हैंड पर्स ले लिया है। तो चलिए चलते हैं, पहले टिकट लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करती हूँ मैं। हम लोग आ गए हैं, हम लोग आए हुए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है और हम लोगों ने बहुत ज्यादा गप्पे मारे और अभी फाइनली सबको बहुत ज्यादा भूख लग गई है, तो सभी खाना खाने जा रहे हैं। और तुम लोगों का खाना कहाँ है? सब साथ में, थोड़ा देर में क्या साथ मिले क्या, सभी साथ में खाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने, बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके हैं हम लोग। अब डायरेक्ट मैं आपसे शाम में ही मिलूंगी, ठीक है? तो अभी रखती हूँ, ओके बाय। गुड इवनिंग, अभी शाम हो चुकी है। देखिए कितना कितना प्यारा है ये, खाली मारे ना। मारना मत, ये अपना है ना। मारना मत, क्यूटी खा रहा है, भाग रही है। अभी हम लोग बस ऐवे ही निकले हैं गांव घूमने के लिए। और ये है इधर आ, इधर आ, ये है बुआ की बेटी रोशनी, ये है मेरी बुआ, और ये आज की हम लोगों की क्या बोलते हैं टूरिस्ट ये घुमाने वाली है हम लोगों को गांव अपना। गाय आ रहा है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने। वो देखिए गाय आ रही है जो कि हमारे घर की है, फूफा जी लेके आ रहे हैं। पता नहीं दिख भी रहा है कि नहीं, आई डोंट नो। गाय दिख रहा है, हाँ ये वाली, ये हम लोग की गाय है और फूफा जी लेके आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग गाँव घूमने, पृथ्वी का आराम से चलो। देख लो नाला, अब हम लोगों के पूरा फूफा जी का है ये दिखाने के लिए लेके आई है ये पागल लड़की। और इसका स्माइल देखिए, पहले कितना ऋत्विक साइड रहो, यहाँ के गड्ढा है बेटा। तो हम लोग अभी आए हैं ऐसे ही खेत देखने, इतने सालों के बाद इतना सुकून आ रहा है ना, लिटरली यार। आ गए अपने गांव के मिट्टी में और आप ये शुरू कर दिए हैं। और आप ये देखिए, ऐसा लग रहा है ना कि इन लोगों को मतलब क्या मिल गया है। दोनों मतलब खेत में आके देखिए कैसे खेल रहे हैं, ये देखिए देखिए ये मस्ती दिख रहा है आपको, देखिए। और चोट लग जाएगी फिर दोनों को, सुने आवाज, सुन लीजिए। आज मेरे देख लो सारा खेला, आज ही खेल लोगे, कितना अच्छा ही देखिए तो। बहुत बड़ा बढ़िया बना, पानी ले आओ ठंडा। अरे हाँ पानी ले आओ, हाँ। वो कहाँ गया? दीदी बोल रही है यूट्यूब बना रही है, गाय खा रही हूँ बना रही है हम लोगों के लिए खीर। पता नहीं कैसे घी में भून के एकदम प्यार से हम लोग खाएंगे घी और आपको रिव्यू देंगे। अभी तो घी भून रही है, घी में राइस को, हाँ देसी घी, अपने प्योर अपने गाय का जो घी है वो। इतनी सुन मॉर्निंग एवरीवन, नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, ये डे सेकंड है पुआ के यहाँ। एक सेकंड फोन आ रहा है। रात में हम लोगों ने खाना वाना खाया, बहुत सारे गप्पे मारे, उसके बाद पता नहीं कब आंख लग गई, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, हम लोगों ने नहा लिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं गाँव के मंदिर, काली माँ के मंदिर, पूजा करने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो चलिए चलते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं इस मंदिर के। अब हम लोग चल रहे हैं घर, फोटो बहुत सारा लिए हैं हम लोग और बहुत सारा हम लोगों ने पिक्चर क्लिप क्लिक किया। और बोलते हैं ना, फैमिली साथ हो तो और एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चीज की जरूरत नहीं होती है। हम लोग जब से आए हैं आस पास के सभी लोग बोल रहे हैं पागल आ चुके हैं घर में, इतने ज्यादा हम लोग हंस रहे हैं, इतना ज्यादा मस्ती, इतना ज्यादा फन। मुझे तो टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं ऑनलाइन आऊँ, हम लोग देख रहे हैं मैं
हम लोग भी दो, हम भी दो है यहाँ पे। मुझे तो टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं मोबाइल पकड़ू। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं ऑनलाइन नहीं हूँ, उसके लिए सो सॉरी। मैं रिप्लाई भी नहीं दे पा रही हूँ बहुत दिनों से, थोड़ा नेटवर्क का भी इशू है। बट होपफुली आपको ब्लॉग देख के बहुत मजा आएगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा मस्ती और बहुत ज्यादा फन कर रहे हैं। और आज हम लोग जाने वाले हैं यहाँ के लोकल मार्केट, जो कि हम लोगों का भाई, इसका छोटा भाई, मैं हम लोगों का ही भाई है बट हाँ इसका पर्सनल छोटा भाई है, आएगा वो ट्यूशन से कोचिंग करके। तो हम लोग जाएंगे, हम फन घर चले जाएंगे, ये हमारा जंगल है, ये जंगल एरिया। तो मैं मिलती हूँ आपसे बाद में, हम लोग में पागलपन होते रहेगा, ये बंद होने वाला नहीं है जब तक हम लोग साथ में रहेंगे। जाने के लिए हम लोग रेडी है, मैंने फिर से कपड़ा रिपीट कर लिया, आई एम सो सॉरी। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ नीचे नीचे ले आप दूर रहिए। ये आप आइसक्रीम देख रहे हैं, सिर्फ 5 रुपीस, ये 5 रुपया का आइसक्रीम है, दाम सुनने के साथ ही यम्मी। पता नहीं कितने अरसों के बाद मैंने ये वाला आइसक्रीम 5 रुपए में सुने, तो मैंने बोला नहीं मुझे तो खाना ही खाना है, और मैं खाने बैठी तो सभी शुरू हो गए खाने के लिए। अरे यार फ्रिज में तो ऑब्वियसली इतनी गर्मी है, फ्रिज कौन रखेगा ना, मतलब बचपन के दिन ताजा हो गए और हम पता नहीं किसी घर के बाहर बैठ के खा रहे हैं। अरे रात में तो पागलबंदी करते हुए, बहुत ज्यादा धूप थी, उन्होंने थोड़ा रिलैक्स कर लेते यार खाते हुए। बस बाय। अभी हम लोग अपने बगीचे में घूम रहे हैं, हम लोग मार्केट करके आ चुके हैं, और गांव का मार्केट मतलब बहुत ही ज़्यादा थकाने वाला डे। हम लोगों ने बहुत मस्ती किया, बहुत फन किया, बट उतने ही ज़्यादा थक चुके हैं और अभी, और ये ब्लॉग मैं 2 दिन से बना रही हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है इन शॉर्ट। तो मैंने सोचा कि अब इस ब्लॉग को मैं आज और कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ। अभी हम लोग देखिए बगीचा में आए हैं, आप देख सकते हैं जैसे, और जैसे कि गांव में खटिया होता है, तो अभी मेरी सिस्टर जो है, भाई जो है, वो लोग खटिया लेके आ रहा है, यहाँ पे बिछाएगा, हम लोग बैठेंगे और बहुत सारे गप्पे मारेंगे। अभी शाम के 4 बजने वाले हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंटरटेनिंग लग रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ। इतने सालों के बाद ऐसे गाँव के बीच आके रह के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और पता ही नहीं चल रहा है कब दिन बीत रहा है, कब शाम हो रही है, कब सुबह हो रही है, इसलिए मैं ब्लॉग भी ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब आप सिर्फ इन्जॉय कर सकते हो, उस टाइम अगर आप शूट करोगे ना तो उस पल को आप इन्जॉय नहीं कर पाओगे, तो इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। होपफुली आप समझ पा रहे होगे इस चीज़ के लिए। और आप देख रहे हो कितना अच्छा हवा, पूरा पेड़ पौधे हैं चारों तरफ मेरे, मैं एकदम बीच बगीचे में खड़ी हूँ। दी को देखो वो क्या कर रही है, वो गाय का बच्चा है, बाछी बोलते हैं जिसे, उसका फोटो ले रही है, रील्स बना रही है, वीडियो, मतलब एक्साइटमेंट लेवल होता है ना कि इतने सालों बाद गांव में आने के बाद, तो वही सब हम लोगों का है। तो होपफुली आप लोग भी इन्जॉय कर रहे हैं, और अगर थोड़ी बहुत गलती हो जा रही है, मैं ज़्यादा आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी, प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा, अपना प्यार मत कम कीजिएगा, प्यार बनाए रखिएगा। कल हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं नानी घर के लिए, तो कल का फ्रेश ब्लॉग मैं स्टार्ट करूँगी। आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को प्यार, आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा, और मैं मिलती हूँ आपसे कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और ढेर सारा प्यार दीजिए मुझे।
लव यू ऑल।